enemies searching abhiyan shuru ho chuka hai guys. Indian, thank you so much for the sponsor. But how was your experience in school and sabse shout out dila do. Experience in school bro, mera main school mein main class mein kam baithta tha aur main bahut zyada khada rehta tha punishment ke liye. और पेरेंट्स टीचर मीटिंग में कभी भी मेरे घर वाले नहीं आते थे, बिकॉज उनको पता है कि अगर हम जाएंगे तो भाई टीचर और प्रिंसिपल से हमको सुनना पड़ेगा और हम नहीं सुन सकते. तो मेरे मॉम डैड कभी नहीं आते थे. अबे बहुत पिटाई पड़ता था भाई मेरे को, बहुत. मैं रस्टिकेट तक हो चुका हूँ इस मामले में. मेरा मामला सेट. मैं लिटरली जब भी पेरेंट्स जाते थे तारीफ भी तारीफ, भगवान कसम मजा आ जाता. लिटरली मैं रस्टिकेट तक हो चुका हूँ इस चक्कर में. और मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ बस कि मैं कितना आलसी था बचपन में और कितना कमीना था बचपन में. मेरी एक मतलब मैंने दो स्कूल चेंज किया. जो मेरी पहली स्कूल थी ना वो मतलब उसकी जो प्रिंसिपल थी वो पूरी स्कूल ही गुजराती स्कूल थी बेसिकली. अच्छा. ठीक है. वो स्कूल का नाम ही था गुजराती हाई स्कूल. ठीक है. अच्छा. वो स्कूल मैंने जैसे तैसे फिफ्थ स्टैंडर्ड तक करी. अच्छे परसेंटेज थे मेरे को. ठीक है. पूरे स्कूल में. और मैंने वो स्कूल चेंज कर दी. अच्छा. जान मुझ के. और ऐसी स्कूल में एडमिशन ले लिया जो एकदम चिल वाली स्कूल, कोई टेंशन नहीं है. तो कोई रीज़न बता मेरे को, कोई रीज़न बताओ गाइस, क्या रीज़न हो सकता है, मतलब मैं क्यों चेंज करूँगा इतने अच्छे स्कूल जान मुझ के. ऐसा कोई रीज़न तुम्हारे दिमाग में आ रहा है? स्कूल से निकाला कौन थे? अच्छे स्कूल नहीं, स्कूल से मेरे को नहीं निकाला भाई. मेरे परसेंटेज ग्रेड्स मेरे काफी अच्छे थे. अच्छा. कितने थे 10th में? कितने थे 10th तक? मैं अलग स्कूल में जा चुका था और 10th में मेरे परसेंटेज कितने 10th में? फ्लेगन सामने चल रही है. हाँ वही चल रहा है. वही आ रहा है. चल ओके. ठीक है मैं बता रहा हूँ. मैं बता रहा हूँ क्यों छोड़ दिया था. जो पहले जो स्कूल में था वो स्कूल बहुत सही स्कूल थी, मतलब रेपुटेशन वगैरह बहुत सही थी उस स्कूल की, एकदम मस्त स्कूल थी. वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए लोग मरे मरते थे बच्चे उस टाइम पे. ठीक है. और मैंने उसको इसलिए पता चल गया. हाँ बता क्या रीज़न. मेरी चैट पे किसी ने बोला डायनमो की गर्लफ्रेंड दूसरे स्कूल में गई थी इसलिए वो भी भाग गया. अबे नहीं भाई, ये रीज़न नहीं था भाई. रीज़न ये था ना कि वो स्कूल का टाइमिंग था सुबह 7 बजे और मैं सुबह 7 बजे उठ नहीं सकता था. तो स्कूल बदल लिया? मैंने स्कूल बदल लिया भाई 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 भाई. अब मैंने ऐसा स्कूल कर लिया जिसका टाइमिंग था सुबह 11 बजे. अगर उसका भी शिफ्ट होके 7 बजे हो जाता तब वही बदल लेता. क्या हमारा तो स्कूल ही ऐसा था जो कभी नहीं कोई बदलेगा जानते हुए, तो हमें तो मजबूरी थी नहीं बदल सकते. क्या ड्रॉप गिरा है ऊपर? हाँ सही पोजीशन पे भाई. एक काम करेगा घर में नेट कर, ऊपर नेट कर. मैं मॉली कर रहा हूँ इसमें पैनिक में. करा मॉली नेट करा. पैनिक में मॉली है. ये ज़्यादा एक बंदा है ब्रो. ये पता नहीं हमको, अच्छे से नहीं पता. ऊपर मॉली है, केयरफुल. हाँ मैं रुका हूँ. अरे नीचे लेटा हुआ पीछे. बोका चौदा मतलब अच्छा खेल रहा था भाई. अबे M4 दे. मैंने नहीं ली चले ले लड़ी हैगी. ये सब हैनी का काम है भाई. अरे कितनी मुश्किल से केयर मिलिया था ये. वो भी चली गई. हैनी अंडरस्कोर भोका शुद. आ जाओ, देखो प्लेन आ रहा है सरकारी ड्रॉप. अरे यार बंदे ही नहीं, गंदे गए उसके पास.